हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स 16 नवंबर के। ये आप सभी के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब, आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख सकते हो टॉपिक स्टडी के बगल में ही एक सब्सक्राइब, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं जब वीडियो पर अगर आपको अपडेट रहना है, तो वहाँ एक बेल आइकन है, तो उस बेल आइकन पर आप अगर क्लिक कर दोगे ना तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नवंबर के करेंट अफेयर्स। और हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर बाल दिवस मनाने के लिए यूनिसेफ अटल टिंकरिंग लैब हैकथॉन लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग और एक दूसरा संगठन जो है, उन दोनों ने मिलकर बाल दिवस मनाने के लिए, जो कि 14 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया, एक यूनिसेफ अटल टिंकरिंग लैब हैकथॉन की लॉन्च किया है। तो ये जो संगठन है ये है यूनिसेफ। तो योर ऑप्शन इज ए, यूनिसेफ। जी हाँ, अब ये समझ लीजिए कि इनका उद्देश्य क्या था इसे करने का। तो इनका उद्देश्य ये था कि जितने भी नए नवाचारों की दिशा में बच्चों को प्रोत्साहित करना है, वो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ये 72 घंटे की समस्या के निवारण की एक खोज है। और इसमें कुछ थे कि इसमें जो भी विजेता होंगे उसे 20 नवंबर को घोषित किया जाएगा। ये सारे इनके टर्म्स एंड कंडीशन थे। तो बस ये याद रख लीजिए कि ये जो हैकथॉन हुई थी, तो वो चाहते हैं कि वो बच्चों को और प्रोत्साहित करें, और ये हुई थी यूनिसेफ और नीति आयोग के बीच में। तो योर ऑप्शन इज ए, ठीक है, इसमें ऑप्शन था हमारा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, युवा सहकार, सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना किनके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि एक तरह की योजना स्टार्ट की गई है, तो ये किनके द्वारा शुरू की गई है। तो ये हमारे कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनके राधा मोहन सिंह जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो हमारे ऑप्शन तो हो जाते हैं ये राधा मोहन सिंह जी। ये योजना जो है ना, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित 65वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का उद्घाटन करते टाइम शुरू की गई। और बस इसका उद्देश्य ये समझ लीजिए कि जितने भी सहकारी क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना, उनको वो सस्ता ऋण प्रोवाइड करा रही है। तो ये कुछ जस्ट ओवरलुक थे, आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई, ये जो युवा सहकार, सहकारी उद्यम समर्थन है, ये है किस चीज़ के लिए। तो इतनी चीज़ें हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र की जो वर्षगांठ मनाई जाएंगी, तो सरकार ने ये फैसला लिया है, फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि जब उनकी 75वीं वर्षगांठ को मनाया जाएगा, तो उन्हें याद रखने के लिए वो एक सिक्के को लॉन्च कर रहे हैं। तो वो कितने का सिक्का होगा, वो 75 रुपये का सिक्का होगा, सॉरी रुपया नहीं होगा, ये तो 75 का ये सिक्का होगा। कितना रुपये, तो वही 75 रुपये का ये सिक्का होगा। अभी तक तो नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जब उनकी वर्षगांठ सेलिब्रेट करेंगे ना 75th वाली, तब ये होगी, तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग से किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी गई है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिल्ली के सफदरजंग से एक नई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, ये है श्री रामायण एक्सप्रेस। तो ये जो एक्सप्रेस है ना, ये करेंगे क्या कि जितने भी राम जी के, मतलब पहले तो ये सफदरजंग से स्टार्ट हुई हैं और ये जाके रुकेंगी वहाँ अयोध्या में, ठीक है। और वहाँ से जितने भी राम जी से रिलेटेड, राम जी का जहाँ जन्म हुआ है और जो जो स्थान है, वो सारे क्षेत्रों को ये कवर करने वाली है। और इसमें एक टाइम में 800 यात्री जो है वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ये कुछ बात है इसके बारे में। तो नाम बस ये याद रखना है कि हाँ, ये जो रामायण एक्सप्रेस है ये स्टार्ट की गई है, इसका पूरा नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने किस राज्य में पडूर भूमिगत सुविधा में कच्चे तेल के भंडारण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि एक तो जो हमारी भारत की जो पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, और उन्होंने अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है, इन दोनों ने साथ में ही इन्होंने एक समझौते पर साइन किया है। और ये समझौता ये है कि ये चाहती हैं, मतलब ये दोनों मिलकर
किस राज्य में पूछा गया था ना कि किस राज्य में जो पडोर भूमिगत सुविधा है कच्चे तेल के भंडारण को लेकर, वो उस पर ही विचार करेंगे। तो ये याद रखिएगा, कर्नाटक में ये है और वहाँ ये दोनों विचार करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बस इतना ध्यान रखना है कि ये किस राज्य में क्वेश्चन में पूछा गया है। योर ऑप्शन इज ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन देश वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 का पार्टनर देश होगा? तो सबसे पहली बात है, ये शिखर जो, जैसा हम सब जान रहे हैं, जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 संपन्न होगी, और इसमें पूछा गया है कि इसमें जो आपका पार्टनर देश कौन होगा, तो ये होगी संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज ए, याद रखिएगा, ये जो गुजरात शिखर सम्मेलन होने वाली है, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक नामक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार किसने चीन के बाद दुनिया में बिजली क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन में भी ये जो देश दो नंबर पे आ गई है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जक के रूप में सबसे नंबर वन पे चाइना था बिजली क्षेत्र में, और अभी दूसरे नंबर पे थी अमेरिका। पर अमेरिका को किसने पछाड़ दिया है? अमेरिका को पछाड़ दिया हमारी भारत ने, और हमारा भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्पल ने किसको भारत के ऑपरेशन हेड के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है आशीष चौधरी, एंड योर ऑप्शन इज बी, ठीक है। आशीष चौधरी जो है ये अब नए ऑपरेशन हेड होंगे भारत के तरफ से एप्पल कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाइजीरिया के लिए हमारे भारत से जो नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होंगे? तो इनका नाम है अभय ठाकुर, एंड योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अशोक लेलैंड के CEO और प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए अशोक लीलैंड जो है इनके ये अभी तक CEO और प्रबंध निदेशक रहे हैं, पर अब इन्होंने अपने कुछ निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है विनोद दसारी। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है डी। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? मतलब अभी ये इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हाँ ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये है, ये भारतीय भारत हमारे भारत देश के भारतीय टीम के इंडिया टीम के बहुत अच्छे गेंदबाज थे रहे थे तो ये हैं हमारे मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हाँ वो रिटायरमेंट ले रहे हैं जितने भी क्रिकेट के फॉर्म हैं सब से। तो योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्लिपकार्ट के भारतीय ई कॉमर्स विशाल समूह पद से इस्तीफा दिया? इनका नाम है बिन्नी बंसल। बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट की जो ई कॉमर्स है ना उसमें ये कार्यरत थे, पर अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये याद रख सकते हैं, इस्तीफे वाली बात है इसमें, ये बिन्नी बंसल है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किसने सफलतापूर्वक अपना नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-29 लॉन्च हुआ है? देखिए ये अभी बहुत न्यूज़ में थी GSAT-29, तो ये हमारे भारत की, मतलब जो हमारे भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो योर ऑप्शन इज ए, हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, इसरो के द्वारा GSAT-29 लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च कहाँ से हुआ है? ये आंध्र प्रदेश की जो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और ये अभी तक मतलब GSLV Mark 3 के लिए ये दूसरी सफल विकास उड़ान थी, तो जिससे इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, GSAT-29 जो लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस हमने सेलिब्रेट किया 14 नवंबर को, ठीक है। और यही डायबिटीज़ की जो दिन मनाते हैं, तो ये 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस, और इसके साथ ही साथ हमने विश्व मधुमेह दिवस भी हमने 14 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी सतर्कता जागरूकता सप्ताह किस दिन मनाया गया? तो इंडियन आर्मी के लिए एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाई गई है, ये 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट वन, भारत और किनके बीच 14 नवंबर को धर्म गार्जियन संयुक्त युद्धाभ्यास अभ्यास संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन में बस इस तौर से पूछा जा सकता है, डेट नहीं पूछा जाएगा कुछ नहीं, ये तो मैंने डिटेल के लिए बता दिए हैं। ये पूछा जा सकता है कि धर्म गार्डियन होता है, धर्म गार्जियन जो ये एक उनके बीच में एक्सरसाइज होती है ये दो देशों के बीच में, तो ये भारत है और दूसरा देश कौन है? तो दूसरा देश है आपका जापान, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, जापान।
38वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? ये जो 38वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है, व्यापार का एक सम्मेलन हुआ है ना, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में अभी चल रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये संपन्न हुई है, तो आप इसमें ऑप्शन ले सकते हो, ये ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश के कितने वयस्क रेलवे स्टेशनों पर 100 फुट ऊंचा तिरंगा लगाने का निर्णय लिया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा, हमारे रेलवे के द्वारा उन्होंने ये घोषणा की है कि वो 75 रेलवे स्टेशन पर जितने भी व्यस्त, मतलब बहुत ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन बहुत बिजी रहते हैं, वहाँ पर ये 100 फुट ऊंचा तिरंगा लहराएंगे, तो इसमें 75 स्टेशनों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आज के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।